नमस्कार दोस्तों, मीना बुटीक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मशीन की सेटिंग करना सीखा था एंकर धागे के लिए। इसे यूज़ करते वक्त हम मशीन की किस तरह सेटिंग करें ताकि हमारी जो एंकर से जो भी डिज़ाइन बनाए परफेक्टली आए, इस तरह से हमने इसकी सेटिंग करना सीखा था। कई दफ़े क्या होता है कि हमारे पास एंकर धागा उपलब्ध नहीं होता है, तो हम एंकर धागा कैसे बनाएं और एक मनचाही डिज़ाइन अपन कैसे बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम धागे से ही एंकर धागा बनाना सिखाने वाले हैं। उसके लिए ये देखिए दोस्तों, मैंने तीन धागे यूज़ कर रहा हूँ। नीचे मेरा चक्री का धागा सिंगल जो एक लगा हुआ है वो लगा रहेगा। इसके बाद में हम इन तीन धागों को, ये देखिए ये मशीन है आपकी, एक धागा तो आप यहाँ पे लगा लें इसमें और दूसरा धागा आप यहाँ पर लगा लें। ये देखिए एक धागा मैंने यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ लगाया है और अच्छे से मोटाई हो इसके लिए मैंने एक तीसरा धागा और यहाँ पर अटका लिया है। तो इस तरह से मैंने तीन धागे लिए हैं। तीन धागों का मैंने जो है इनका मेल है वह मैं बना लेता हूँ इस तरह से, और इसे हम यहाँ से लेके ऊपर वाले जैसे हम धागा पोते हैं वैसे धागा हमें ले लेनी है। अब थोड़ी सी एक दिक्कत यहाँ पर सुई में धागा पोने की है, तो आप आराम से बारीकी से पोएंगे तो ये धागा आराम से इस तरह से पो लेंगे। ये तो हमारा धागा पो लिया। अब इसमें छोटी सी एक सेटिंग और करनी पड़ेगी जो हम कर लेते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो ये बॉबिन केस होती है ये वाली, इसमें एंकर धागा भरकर ये एंकर धागे काम किया था। आज इस वीडियो में ऊपर धागे लगाकर हम काम कर रहे हैं। तो ये देखिए नीचे वाला धागा हमारा निकाल लिया है। और दोस्तों, आपने उसमें कुछ एक कमेंट ऐसे थे कि 5 नंबर हम सिलाई कैसे बढ़ाएं, तो वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए मशीन जो है मेरी, ये आ गई है मशीन, और यहाँ पर जहाँ पर अपन चाल बढ़ाते हैं, मशीन की छोटी बड़ी चाल करते हैं, इसे हम इसे 5 नंबर 3 नंबर पे लगाते हैं तो वो मशीन की चाल होती है। इसकी सहायता से ही हम इसे सेट करते हैं। ठीक है, हमारी 5 नंबर पे हमने सेट कर लिया है। इसके बाद में अब हम यहाँ पर एक बार तो ऐसे रफली साइड में चलाकर देख लें आपके धागे का मेल सही है कि नहीं, ऊपर आ रहा है तो नीचे वाले को थोड़ा टाइट कर लें, तो वो चीज़ें एक बार देख लेते हैं 5 नंबर पर। और ये देखें हमारा एंकर धागा बनना स्टार्ट हो चुका है, और धागे का मेल देख लें, नीचे वाला बिल्कुल फिनिशिंग से आ रहा है और ऊपर वाला भी हमारा फिनिशिंग से आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो सेटिंग है वो प्रॉपर तरीके से सही है, और आपकी मशीन प्रॉपर तरीके से होगी तो बढ़िया तरीके से चलेगी, कोई धागा वगैरह नहीं तोड़ेगी। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास एंकर धागा नहीं है तो धागे से भी आप बना सकते हैं, और एक किसी भी सूट में, नेक में, जो भी आप एंकर को लेकर डिजाइन बनाना चाहते हैं वह डिजाइन आप आराम से बना सकते हैं। ये देखें हमारा एंकर से ही धागा बन गया है, धागे से एंकर बन गया है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो एंकर धागा बिल्कुल फिनिशिंग से है और नीचे भी फिनिशिंग से है। तो इस तरह से आप, कुछ एक कमेंट उस वीडियो में आए थे कि हमारी मशीन टेप नहीं पकड़ रही है, तो उसका जो मेल है इस सुई का और सटल का मेल है जो अच्छी तरह से होगा तो वो एक मशीन की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से वो टेप पकड़ती नहीं है, तो सेटिंग करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और इसी तरह से आप अपनी डिज़ाइन को बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी है उन नए लोगों के लिए जो जिन्होंने एंकर धागे के बारे में पता नहीं था, तो वो जानकारी है उनको अच्छी लगी होगी। इसके लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन, नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।